सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। मेरा नाम प्रदीप कुशवाहा है, मैं आशा संस्था गाडावारा से हूँ। आज मैं ग्राम बरहेटा आया हूँ। यहाँ के एक किसान श्री सुनील जी कोराव दीमक नियंत्रण कर रहे हैं। चलिए हम उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि दीमक नियंत्रण कैसे किया जाता है। राम राम सुनील भैया। राम राम प्रदीप भैया, आओ बैठो। सुनील भाई, आज आप क्या कर रहे हो? प्रदीप भाई, आज हम दीमक नियंत्रण कर रहे हैं। आप दीमक नियंत्रण क्यों करते हो? दीमक एक ऐसा कीड़ा है जो फसलों की जड़ों को खा जाता है और पौधों में विकास नहीं हो पाता, जिससे वह सूख जाते हैं। इसलिए हम दीमक नियंत्रण करते हैं। आप दीमक नियंत्रण कैसे करते हैं, यह विधि आप हमें भी बताएं। आज हम दीमक नियंत्रण की विधि अपना रहे हैं, आप भी देख लो। सुनील भैया, दीमक नियंत्रण करने में आपको कौन कौन सी सामग्री लगती है? प्रदीप भाई, सबसे पहले हम मटका लेते हैं और इसके बाद हम कुछ भुट्टे लेते हैं। आप किस तरह का भुट्टा इस्तेमाल करते हैं? दाना उपयोग करने के बाद जो भुट्टा बचता है उसका इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद एक सूती कपड़ा लेते हैं। सबसे पहले हम इस मटके में एक एक भुट्टे डालते हैं। अब हमने मटके में भुट्टे डाल दिए हैं, अब हम कपड़ा बांधते हैं। अब आप क्या करोगे? खेत में गड्ढा करके हम इसको गड़ा देंगे। सबसे पहले हम गड्ढा करते हैं। अब इस गड्ढे में मटके को रख देंगे। अब हम मटके को इस तरह रखते हैं कि उसका ऊपरी हिस्सा जमीन से बाहर रहे। अब मट्टी की सहायता से मटके को ढक देंगे। कुछ दिनों बाद इसमें दीमक इकट्ठी हो जाएगी और फिर हम इस मटके को जमीन से निकालेंगे और गर्म करेंगे, और जिससे सारी दीमक मर जाएंगी। फिर हम खेत में रासायनिक दवा डालेंगे जिससे दीमकों का विकास रुक जाएगा। हमें मटके कितनी दूरी पर गड़ाने चाहिए? हमें मटके 100 मीटर की अंतर पर दो मटके गड़ाना चाहिए। क्या हम दीमक नियंत्रण के लिए और भी किसी विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, एक और विधि है। इस विधि में हम सबसे पहले दीमक के घरों को खोद लेते हैं और वह रानी दीमक को मार देते हैं, जिससे वह अंडे देना बंद कर देती है और दीमकों की संख्या नियंत्रण हो जाती है। आपने हमें दीमक नियंत्रण की विधि बताई, अब आप इसके फायदे बताइए। इस विधि से हमें बहुत से फायदे हैं। इसमें जो सामग्री लगती है वह हमारे घर में मिल जाती है। यह बहुत आसान विधि है। इससे फसलों का बचाव होता है और हमें उत्पादन अधिक होता है। सुनील जी, आज आपने हमें दीमक नियंत्रण की विधि बताई, इसके विषय में हमारे किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। मैं यह बताना चाहता हूं कि आप इसी तरह दीमक नियंत्रण करें और अधिक से अधिक फायदा लें। सुनील जी, आज आपने हमें दीमक नियंत्रण की विधि बताई। हम आशा करते हैं कि सभी किसान भाई इसी विधि को अपनाएं और अधिक से अधिक फायदा लें। अच्छा, तो भैया राम राम। राम राम भैया। जैसा कि किसान भाइयों, आपने देखा, सुनील जी कौरव ने हमें दीमक नियंत्रण की विधि बताई। आप भी इसी विधि को अपनाएं और अधिक से अधिक फायदा लें। अच्छा, तो किसान भाइयों राम राम।